डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं यानी मुकेश कुमार सिंह मैं बात करने जा रहा हूं किस चीज़ के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ एक रिएक्टेंट लिया है और ये रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज करता जा रहा है किस चीज़ में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट आप इसका कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या होते चला जाता है, घटता चला जाएगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जब रिएक्टेंट के अमाउंट कंटिन्यूसली घटते जाएंगे तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसा, निगेटिव साइन से, और ये दिखा रहा है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसके कंसंट्रेशन आप किसी भी टर्म में ले सकते हैं, जैसे मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी किसी टर्म में आप ले सकते हैं। तो जनरली जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिया जाता है किस टर्म में, मोलेरिटी के टर्म में। तो इसका कंसंट्रेशन उसी तरीके से क्या हो, अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। इस वजह से रेट इज इक्वल टू होता है माइनस डी ए बाई सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर वन हो जाए, यानी यहाँ जो एन का वैल्यू है वो कितना हो जाए, वन हो जाए, तभी हम इसे कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो किस चीज का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। क्लियर हुआ? इसके पीछे आप पढ़ रहे थे क्या कि जब यहाँ एन का वैल्यू जीरो था तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वन है, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा हेडिंग है, इस वजह से यहाँ एन का वैल्यू हर हाल में लेना होगा कितना, वन। तो वन है, तो ये जो रिएक्शन है आपका ए रिएक्टेंट जो कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि रिएक्शन इन विच, जैसा कि ये रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट था देखिए, ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर को आपको डिफाइन करना होता तो कैसे करते, यहाँ जीरो होता तो हो जाता रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन, वहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो, कंसंट्रेशन टर्म में हम लेते हैं ऑफ रिएक्टेंट तो वो हो जाता आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, यहाँ टू हो जाता तो वो हो जाता आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गया आपको किस चीज का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और एग्जाम में कोई भी बच्चा चाहता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए तो वो पेशेंस रख करके अपने सुंदर तरीके से डेफिनेशन को एग्जाम में लिखे, अन्यथा लिख करके तो सभी लोग आते हैं 100% लिख करके आता है, लेकिन उसी में से किसी को 50% मार्क्स, किसी को 40%, किसी को 90%, किसी को 95%, किसी को 100% नंबर आ जाता है। इसका वजह है कि आप अच्छे तरीके से यदि आप लिखते हैं, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहता है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, आपका नंबर अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके एकेडमिक एग्जाम में ध्यान में रखना चाहिए, और साथ में जब आप किसी का आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके एग्जाम्पल को इग्नोर ना करिए, ये साइंस है, बिना एग्जाम्पल का साइंस किसी चीज को मानता नहीं है। तो एग्जाम्पल जब आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम आएगा। तो यहाँ मैं पूरा का पूरा मैं कोशिश किया हूँ किस चीज पे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल को डील करूँ, और हर एक एग्जाम्पल को आपके दिमाग में डालने का कोशिश मैंने किया है, देखते हैं कहाँ तक हम सक्सेस कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसे आप डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, फाइव, तो इसके वजह से डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पॉपुलर नाम है इसका कौन सा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के नाम से ही ज़्यादा ये मशहूर है। ये एक्चुअली वोलेटाइल एक तरीके का क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा,
इसका जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो देखिए ये टूटता है आपको किस चीज़ में, N2O4 में प्लस हाफ O2 में। तो N2O4 देखिए, N2 तो N2 रह चुका है, ऑक्सीजन यहाँ कितना था 5 और यहाँ कितना हो गया 4, तो 4 ऑक्सीजन जैसे ही हुआ इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन इधर निकला है, ये एक ही ऑक्सीजन है। कैसे एक ही ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ आपने क्या लिखा है O2 और इसके आगे हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया तो इसका मतलब कि 2 का आधा कितना, तो एक ही ना, तो ये ऑक्सीजन आपका एक ही लिखा हुआ है लेकिन इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ओके फॉर्म में, तो हमें इक्वेशन में लिखना पड़ता है O2 और इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है हाफ O2। आप इसे और भी सुधार करके लिख सकते हैं, कैसे आप क्या करिए कि इसे आप यदि 2 कर देंगे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आप हटा सकते हैं, तो देखिए अब बैलेंस हो जाएगा। देखिए 5 2 जा कितना होता है 10, यहाँ देखिए 4 2 जा 8 और प्लस 2 कितना हो गया 10। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस इक्वेशन हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसे हटा करके आप रखेंगे 2 2 और तो आप देखिए ये रिएक्शन कैसे हुआ था, N2O5 है ये N2O4 में टूटा, N2O4 और एक ऑक्सीजन लिख दीजिए क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया था, लेकिन आप इसे 2 कर देंगे तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा और O2 के ही फॉर्म में लिखिए। क्यों लिखना है O2 के फॉर्म में, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट ये करेगा किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में ही, लेकिन डिकम्पोजिशन जब नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का होता है तो N2O4 ये N2O4 के फॉर्म में ना होकर के ये कन्वर्ट कर जाता है किस चीज़ में, NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये इसके साथ क्या करता है इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। तो आप इस पूरे इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो रह नहीं गया, ये चेंज कर जाएगा किस चीज में, इसमें NO2 में, तो आप इसे इसी ठीक रिएक्शंस को आप ऐसे लिख सकते हैं N2O5 और है यहाँ लिख दिए हैं हम और NO2 लिख दिए और हाफ O2, तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं और यही इक्वेशन आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि जब डिकम्पोजिशन होता है N2O5 का तो वो टूटता है NO2 में एंड हाफ O2 में, इस फॉर्म में नहीं रहा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हाफ हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से यदि हाफ था और 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस वजह से इसको आप क्या करिए आप इसे हटा दीजिए। तो हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक एग्जाम्पल आपको याद हुआ होगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो कि वोलेटाइल सॉलिड है, इसका डिकम्पोजिशन होता है NO2 में एंड O2 में, आप इसे याद करके रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा, अमोनियम नाइट्राइट। देखिए ये अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2 एक्वस, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, देखिए नाइट्रोजन है तो ये कम्प्लीटली नाइट्रोजन इसका अलग हो गया और बाकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वो मिलकर के क्या बना लिया H2O बना लिया। आप इस तरीके से भी इसे क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन है हमेशा होते रहता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाइट्राइट, एक और एक आ जाता है आपके पास नाइट्रेट, दोनों में कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट को होते रहता है। तो जो नाइट्राइट होता है वो इस तरीके से होता है, देखिए ये NO2 तो नाइट्रोजन है और ये इसके साथ दो दो ऑक्सीजन ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ये मैंने लेविस स्ट्रक्चर लिखा है इसका, साथ साथ आप यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज किस पे है ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन एडेड है ये अमोनिया के साथ, अमोनियम आयन के साथ, पहले ये आप देखिए यहाँ ये ऐसे केवल रहता नाइट्रोजन NH3 तो ये हो जाता अमोनिया, लेकिन इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास जैसे ही H+ आयन आकर के ऐड हुआ तो ये अमोनियम आयन हो जाएगा। कैसे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, अपना ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है समाप्त हो गया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या NH4 और इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था हाइड्रोजन को, इस वजह से इस पर आ गया कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये अब कहलाएगा क्या अमोनियम आयन। तो ये अमोनियम आयन है और ये आपका नाइट्राइट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है किस पे ऑक्सीजन पे,
तब ये कहलाएगा अमोनियम नाइट्राइट। क्लियर। और अमोनियम नाइट्राइट जब डिसोसिएट हो रहा है एक्वस फॉर्म में है तो ये नाइट्रोजन इसका दोनों एक साथ N2 और बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिया है H2O। आप इस तरीके से भी डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट को आप याद कर करके रख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आगे आप देखिए नाइट्रेट, अभी मैंने बात किया है किस चीज पे, नाइट्राइट पे, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आपको लिखना रहता तो आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ NO3 है और निगेटिव चार्ज किस चीज पे है, नाइट्रोजन पे, जबकि आप यहाँ देखिए ये NO2 है और निगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और NO2 है तो नाइट्राइट, और NO3 और निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया तो हो गया नाइट्रेट। अमोनियम आपका यहाँ भी कॉमन है, अमोनियम आपका यहाँ भी कॉमन है, ये केवल कन्फ्यूजन के लिए मैंने यहाँ लिखा है। आपका जो एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो केवल ये है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। लैंग्वेज में भी लिख करके आपको कोई प्रॉब्लम देगा कि डिकम्पोजिशन हो रहा है अमोनियम नाइट्राइट का, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा और उसी के काइनेटिक इक्वेशन के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स पे आप क्या करिएगा, उसे सॉल्व करिएगा। मैं इस पर चर्चा डिटेल में करूंगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफी इंपॉर्टेंट एक सवाल में आता रहता है क्योंकि इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। कैसे तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो वो होता है आपका पेरोक्साइड, और इधर एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इधर हाइड्रोजन दे दीजिए और फिर इसे आप मिला करके इस तरीके से आप देखिए, देखिए ये कैसा लग रहा है आपको, वैसा लग रहा है जैसे खुली हुई किताब है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और भी एक सवाल पूछा जाता है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऑप्शन आपसे पूछा जाता है। पेरोक्साइड हम जब तभी कहेंगे जब दो ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तब हम कहेंगे कि वो पेरोक्साइड है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ही आपका डिसोसिएट होगा तो ये टूटता है किस चीज में, H2O में, और ये देता है आपको क्या, ये देता है आपको नसेंट ऑक्सीजन। ये नसेंट ऑक्सीजन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन को हम नसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। और ऐसे ऑक्सीजन लिखने के बाद इसे ब्रैकेट में क्यों किया जाता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन यदि ब्रैकेट ना हो और आप इसे बैलेंस कर रहे हो और आगे ऐसे 2 लिख देंगे तो ये आपको दिखेगा कैसे 20 टाइप का। इस वजह से जब हम इसे ब्रैकेट दे देते हैं और तब इसे आगे हम कुछ भी लिखते हैं तो पता चलता है कि 2 है, 3 है, चाहे जितना हो। तो इसलिए ब्रैकेट का कोई इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में ऐसा कहीं रूल है नहीं, लेकिन ब्रैकेट देते हैं ताकि पता चले, नहीं तो 3 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा, 4 लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। इसलिए चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये नसेंट ऑक्सीजन देता है, इसका ब्लीचिंग टेंडेंसी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो आप जैसे ही यहाँ O2 लिखिएगा तो इसके आगे आपको बैलेंस करने के लिए हाफ लिखना पड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपका एग्जाम्पल है किस चीज का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट आपने पढ़ा था नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, सेकेंड आपने पढ़ा अमोनियम नाइट्राइड का, थर्ड आपने पढ़ा यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइल एसीटेट। देखिए इथाइल एसीटेट कैसे हुआ, यहाँ देखिए CH3COOH है, तब तो एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड इस पर निगेटिव और इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। आप इसे क्या करिए, इसको हटा दीजिए हाइड्रोजन आयन को, तब ये कहलाने लगेगा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। तो देखिए ये है आपके पास C2H5 इथाइल, और यहाँ देखिए ये एसीटेट है, इसी वजह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा, हाइड्रोलाइसिस शब्द हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए ये वाटर के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है
और साथ साथ में एच प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि एसिड के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो देखिए H2O, आप H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, एच प्लस और OH माइनस आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये जो H2O है ये डिकम्पोज यदि कर रहा हो तो ये देखिए ये एच प्लस आयन इसके साथ ऐसे मिल जाए तो हो जाएगा CH3COH, देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और ये हो जाएगा C2H5OH। हम समझते हैं ये भी आपका, इसका भी डिकम्पोजिशन आपको याद हो जाएगा यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये डिकम्पोजिशन है किस चीज़ का, इथाइल एसीटेट को, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। और ये भी एग्जाम्पल है किस चीज़ का, फर्स्ट ऑर्डर का। एग्जाम में आप जब नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल तो आपको नंबर समझ ही रहे हैं भरपूर मिलेगा, नहीं तो वही मिलेगा जो गणेश जी खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, जो पांचवा नंबर का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ना हो करके ना एक सवाल बन करके ही आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो क्या सवाल खड़ा होगा मैं बताता हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, सीधा सीधा सवाल आता है। इसके आगे केवल आप लगा लीजिए कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है इसको आंसर करने में और पहले समझने में। मैं समझा लेता हूँ आप लोग को। देखिए केन सुगर यही है केन सुगर का फार्मूला जो कि सुक्रोज का होता है। ठीक है, केन सुगर का और सुक्रोज सब एक ही टर्म है, C12H22O11। ये चीनी का भी सुगर का भी आप देखे होंगे, सब एक ही फार्मूला है, क्लियर है। तो देखिए जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ हो, हाइड्रोलाइसिस आप समझ गए होंगे, जैसे ही H2 और EH प्लस लिखे हैं आपके दिमाग में चला गया होगा कि हाँ हाइड्रोलाइसिस होगा किस चीज का, सुक्रोज का। तो देखिए बिफोर हाइड्रोलाइसिस ये जो सुक्रोज है इसका जो नेचर है ये क्या करेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो जब राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा बिफोर डिसोसिएशन तो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और कितना एंगल से करेगा आप इसे याद रखिए, +66.5 डिग्री से रोटेट करेगा। ये प्लस साइन ही बता रहा है कि ये कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये बिफोर डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, बिफोर हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये जो ये डाइसेक्राइड है, बायो मोलिकुल्स मैंने पढ़ाया है उसमें डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड डिटेल में मैंने बात किया है, यदि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये डाइसेक्राइड है, ये दो मोनोसेक्राइड में टूट रहा है, देखिए एक ग्लूकोज में टूट रहा है और दूसरा फ्रुक्टोज में टूट रहा है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, ये एल्डिहाइड कंटेनिंग होता है और ये कीटोन कंटेनिंग होता है, ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, आप इसके बारे में भी मेरे प्लेलिस्ट में है बायोमोलिकुल्स, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ सुक्रोज का तो ग्लूकोज जो होता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये होता है कैसा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और फ्रुक्टोज का नेचर कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो कितना से होता है, +52.5 डिग्री से, लेकिन ये लीवो रोटेटरी होता है तो कितना से होता है, -92 डिग्री से होता है। आप देखिए आप इन दोनों को जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगा किस चीज में, निगेटिव में, और यहाँ किस चीज में वैल्यू था, पॉजिटिव में। तो फाइनली पहले था ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो दोनों का मिक्सचर, न कि इकलौता ये और इकलौता ये, इन दोनों का मिक्सचर कैसा हो गया अल्टीमेटली, लीवो रोटेटरी, क्लियर है। तो देखिए पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बाद में आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हो गया लीवो रोटेटरी, तो इसी टर्म को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ जो केन सुगर होता है उसमें इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी, आपसे यदि सवाल में पूछ दिया जाए
कि व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ केन्स स्क्वायर, तो आप यहां से यहां तक आप इसको लिखिए और 100% नंबर पाई। आगे बढ़िए। जितना भी रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव फेनोमेनन या डिसइंटीग्रेशन होता है, वो सब का सब आपका एग्जांपल है किस चीज का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल प्लस डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया किससे रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिगार्डिंग। लेकिन अगले वीडियो में मैं आप लोग को ये फार्मूला के इक्वस टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यानी इसका काइनेटिक इक्वेशन है, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। इस पर कुछ एग्जांपल, कुछ न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो ज़्यादा पहलवानी करेंगे आप समझ ही रहे होंगे। मास्क लगाइए, बेवकूफों के चक्कर में मत पड़िए। थैंक यू।